सो हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल रीम खान ब्लॉग्स। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी शॉपिंग शेयर करूँगी जो कि मैंने इंस्टेंटली किया है। मेरा कोई प्लान नहीं था, एकदम से मैं गई और मेरा दिल किया तो मैंने परचेज़ कर ली, क्योंकि मैं क्रॉस स्टिच पे गई और लाइमलाइट गई। क्रॉस स्टिच गई तो वहाँ पर सेल लगी हुई थी, 30% ऑफ लगा हुआ था न्यू अराइवल्स पे, क्योंकि उनकी ना आउटलेट वहाँ पे नया ओपन हुआ है इस्लामाबाद में, जो इनका अमेज़ॉन मॉल है। तो ये वैसे तो जो ये ड्रेस मैंने परचेज़ किया है ये 6500 का है, लेकिन ये मुझे 4250 का मिल गया। सो ये जो ड्रेस है ना, ये एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेस है। इनकी एम्ब्रॉयडर्ड की जो कलेक्शन है उसमें ये इनका न्यू अराइवल में आया हुआ है। और इसका देखिए, ये ऊपर सारा एम्ब्रॉयडरी हुई है और बाजुओं पे भी इसकी एम्ब्रॉयडरी हुई है। अच्छा, ये टू पीस ड्रेस है, इसके साथ ना दुपट्टा भी है और दुपट्टा फुल इसका एम्ब्रॉयडरी वाला है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, मैं आपको पहन के भी दिखाती हूँ। अच्छा, बहुत ही प्यारा सा मस्टर्ड कलर का ये ड्रेस है, साथ में इसका फुली एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टा है, मुझे तो बहुत पसंद है, मैं आपको ये वेयर करके दिखाऊंगी। अच्छा, इसके साथ मैंने ना ये देखिए दुपट्टा, कितना खूबसूरत दुपट्टा है, सारे दुपट्टे पे एम्ब्रॉयडरी हुई है वाइट कलर की, बहुत ही प्यारा ड्रेस था, मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने फ़ौरन से परचेज़ कर लिया। ऊपर से सेल लगी हुई थी तो मैं जा नहीं रही थी कि मैं इसको मिस करूँ सेल को। तो ये आप देख सकते हैं कितनी नफीस कढ़ाई हुई है इसके ऊपर, बिल्कुल मतलब इतनी फाइन है ना कि बस देख के मज़ा ही आ जाए, और कलर भी विंटर्स के हिसाब से बहुत अच्छा है। और इसके साथ ना मैंने टाइट्स भी साथ ही परचेज़ कर ली थी, क्योंकि ये लॉन्ग फ्रॉक था तो मैंने सोचा इसके साथ में टाइट्स परचेज़ कर लेती हूँ। अच्छा, मैंने की वेबसाइट पर ये ड्रेस चेक किया, वेबसाइट पर ये इतना अच्छा नहीं लग रहा देखने में जितना ये लाइव लग रहा है। तो अगर आप लोग परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इनकी वेबसाइट से भी परचेज़ कर सकते हैं, और अगर आप इस्लामाबाद में हैं तो आप इस्लामाबाद में अमेज़न मॉल से जाके इनके आउटलेट से क्रॉस स्टिच के ले सकते हैं। अच्छा, ये मैंने लाइमलाइट से इनके साथ सेपरेट मैच की थी टाइट्स, और लाइमलाइट से मैंने ये रिंग भी परचेज़ की थी जो कि 4 पीसेज ऑफ रिंग्स हैं। ये देखें, आपको मैं करीब से भी दिखाती हूँ, बहुत प्यारी गोल्डन कलर की रिंग्स हैं, 4 पीस हैं इसके अंदर, डिफरेंट डिफरेंट रिंग्स हैं, और ये मुझे मिली हैं 750 की, बहुत ही खूबसूरत रिंग्स हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आज ही लेके आई हूँ, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो अगर आप लोग भी परचेज़ करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। तो मैं ड्रेस भी आपको पहन के दिखा देती हूँ कि पहन के कैसा लग रहा था। अच्छा, मुझे ना कैमरा ना सेट करना नहीं आ रहा था कि कैसे आप लोगों को जिस तरह मुझे समझ में आया मैंने आप लोगों को दिखा दिया। तो ये ड्रेस पहन के कुछ ऐसा लग रहा था, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था लाइव, तो अब पता नहीं कैमरे में आप लोगों को कैसा लग रहा होगा। तो आप लोग इसको कुछ इस तरह से शॉल इसके साथ स्टाइल कर सकते हैं, और इसके साथ अगर आप रेड कलर की लिपस्टिक लगाएंगे तो बस बहुत ही प्यारी लगेगी, पूरा ड्रेस पॉप अप हो जाएगा। सो ये कुछ इस तरह लग रहा था। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ ये इस तरह की अपनी प्यारी प्यारी शॉपिंग जो करती हूँ वो शेयर करती हूँ इस चैनल पे, और मैं प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ शेयर करती हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो लाइक अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं और भी जितनी शॉपिंग करूँ वो आप लोगों को दिखा सकूँ, और अगर आप लोगों को परचेज़ करना चाहें तो जाके करें। अच्छा, इनके आउटलेट में ना मैंने और भी बहुत ही प्यारा सा एक ड्रेस देखा था, वो ना पता नहीं वो किस तरह का कलर था, रेड मैरून और पिंक सा मिक्स है, लेकिन बहुत प्यारा कलर था, बहुत पॉप अप हो रहा था वो भी, लेकिन शर्ट और दुपट्टा थी और वो 7500 का था। तो मैंने सोचा आप 7500 का सिर्फ शर्ट और दुपट्टा लूँ, लेकिन वो बहुत प्यारा था, अभी तक मेरे दिमाग में अड़ा हुआ है वो सूट, हो सकता है वो मैं वो भी परचेज़ कर लूँ। तो ये तो मैंने ऑन द स्पॉट ही परचेज़ कर लिया, क्योंकि बहुत रीज़नेबल प्राइस में मुझे 2 पीस मिल गया था। ये सारी चीज़ें मिला के, मतलब रिंग्स को निकाल के, ये जो पूरा ड्रेस है ये मुझे 5000 का पड़ा है, विद ये जो मैंने 7 टाइट्स इसके परचेज़ किए हैं सेल में, लेकिन ये वैसे नहीं इतने का, ये 6500 का पूरा ड्रेस है। और इनके ना ड्रेसेस की मुझे वो ये बात बहुत अच्छी लगी, इनके कॉम्बिनेशन ड्रेसेस के बहुत अच्छे थे, जो भी वहाँ पे सारे मैंने ड्रेसेस देखे ना, बहुत प्यारे कॉम्बिनेशन थे।